सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी ज्येष्ठ कृष्ण की प्रोग्रेसिया कल करेंगे अशांति नदी के बारे में बात। आज करते हैं सादर जैन आज की शुरुआत। एक 458 साल वाले पुराने नया प्रभु जैन की कहानी जानते हैं आप। आज आपको एक नए की बताते हैं 500 साल प्राचीन। आज बात कर रहे हैं भिंड से, आप बात करते हैं दोहत के बड़े बाजार के दिगंबर जैन मंदिर की, जो आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था। कहते हैं ऐसे कुछ शेर हर जगह होने चाहिए, इसलिए करें यहाँ के अध्यक्ष के लिए, एक अध्यक्ष वहां के और एक अध्यक्ष यहाँ के। मंदिर के चारों तरफ अतिक्रमण कर दिया एक विशेष समुदाय ने, धीरे धीरे इतना कि अब तो कोई आना ही मुश्किल हो गया। अति तो तब हो जाती है जब मांस के टुकड़े मंदिर के प्रांगण में फेंके जाते हैं। बर्दाश्त कर सकता है कोई? नहीं कर सकता, और इसके लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी, चुपचाप नहीं रहना होगा। और यही यहां की आवाज थी कि हमारे अंदर भी महावीर भगवान का खून रोकता है। क्या जबरदस्त बात थी, प्रदर्शन किया दिया गया। पराग जैन जी जैन है, उनको ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया कि अगर नहीं हुआ तो हमें धरने पर बैठना होगा। हर तरह की चेतावनी, और अतिक्रमण कैसे सह लिया जाए, कोई भी जानबूझकर अवैध रूप से बनाए और मंदिर में आने वालों को परेशानी हो, मांस के टुकड़े फेंक दिए जाए, जाने का रास्ता बंद हो गया। अलग प्रकार की पार से सोनागिरी बताया ना आपको, गली नंबर 5 मंदिर नंबर 5 के पास जो हो रहा हालत, वहां नहीं बोल पाई कमेटी, बोल रही यहां पर जरूर बोला, गजब से बोला, जो आप देख रहे हैं। फिर जब चारों तरफ से हुआ जो दृश्य आप देख रहे हैं, अतिक्रमण को हटाया गया, बुलडोजर चलाया गया, सफाई हुई, जेसीबी से आप देख रहे हैं। जब तक आप पड़े रहोगे कोई नहीं उठाने वाला। कहते हैं कई दिनों से कई महीनों से ऐसा चल रहा था, लेकिन जब आवाज उठाई तो देखिए बुलडोजर चल रहा था। अपने न्याय के लिए अपनी आवाज को तो बुलंद करना ही होगा, चुपचाप बैठे घर में कोई नहीं आएगा। अरे अगर जंगल में शेर भी दहाड़ना बंद कर दे तो चुपचाप बकरे भी वहां पर मैं करके शेर बन जाते हैं। ये अतिक्रमण देख रहे हैं किस तरीके से हटाया गया, 2 दिन पहले के दृश्य देख रहे हैं। परेशान कई हफ्तों से चल रहे हैं, लेकिन जब एक बार ठान लिया कि अब तो करना ही है, छोड़ना नहीं है। सुन लीजिए पहले आप विवेक जैन अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा इन 40 सेकंड में, समझ जाएंगे कम से कम। और अध्यक्ष सुन लीजिए कि किस तरीके से बात करते हैं, किस तरह अपने मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सुनिए विवेक जी से क्या कहते हैं। 500 साल प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर बड़ा बाजार, जिसमें 7 साल से देख रहा हूँ कुछ समुदाय विशेष के लोग मुख्य मार्ग को कपट आक्रमण कर लिया गया है। उसके द्वारा वहाँ पे भैंसा बांधी जाती है, वहाँ पे बकरियां बांधी जाती है, कुछ कहने पर वो जो कहता है कि मर्डर कर देंगे। समुदाय विशेष के लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, प्रशासन को भी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर हमारे पुजारियों हमारे दशरथियों को अगर इतनी खरोच भी आ गई ना, तो हमारी लघु में भी भगवान महावीर स्वामी का खून है, हम उनको नष्ट नाबूद करेंगे। शुरुआत करते हैं आचार्य श्री समय सागर जी के साथ। आपको बता दें इसमें कुंडलपुर के अंदर 175 साधु संत आज भी विराजमान है। बस 6 जून की तो बात है, 6 जून से यहाँ शुरू हो रहा है फिर एक कार्यक्रम बहुत बड़ा रूप से, कलशारोहण, साथ में भव्य वेदी का शिलान्यास। ये 2 कार्यक्रम होंगे, तारीख नोट कर लिएगा, 6 जून से शुरुआत होगी 11 जून तक। पहले तारीख 8 जून थी, 2 दिन पहले, अब 6 जून से 11 जून तक आचार्य श्री समय सागर सानिध्य में, यह 175 साधु संतों के सानिध्य में यह कुंडलपुर में कार्यक्रम होगा। तारीख नोट कर लीजिएगा, टाइम पर आइएगा और पहुंच जाइएगा दर्शन के साथ। कहते हैं पुण्य का अर्जन कीजिएगा, कलशारोहण कार्यक्रम है शिखर पर, और साथ में भव्य वेदी का शिलान्यास। वैसे जैनों से संबंधित नहीं है, पर आज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जरा सी बात के बगैर ही तूल बना लेते हैं। रवीना टंडन ने सीन देख रहे हैं, सेलिब्रिटी है इसलिए आप बन रहे हैं। रवीना टंडन में ड्राइवर है, जा रही थी गाड़ी पार्क करके पैक कर रही थी, कहते हैं कि 3-4 बुरके वाली पर गाड़ी लगा दी, खड़े हो गए सारे, खींचाताने की रवीना से। उन्होंने कहा मुझसे दूर हट जाओ, दूर होके बात करो, लेकिन नहीं। कहते हैं हम अपने, अगर एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है, आम आदमी की तो मारपीट करे क्या हालत कर देंगे। गनीमत तो यह रही, अब दोनों टीवी के चैनल के आप जो है सीसीटीवी फुटेज देखते जा रहे साथ, जब वो सीसीटीवी कैमरे देखा गया तो मालूम चलता है अरे कार तो उनसे छुई भी नहीं थी। और बात का पतंगड़ बनाने के लिए रवीना को जैसे कार से घस के किस तरीके से बदतमीजी गई। एक सेलिब्रिटी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो समझ लिए हमारे देश में हमारे आम आदमी क्या क्या नहीं किया सकता। बच गई यह गनीमत रही,
लेकिन उनसे जिस तरह की बदतमीजी की जा रही थी, यह हमारी चिंता की बात है, समझने की बात है कि आज हमारे देश में हो क्या रहा है। रोड रेज कुछ नहीं हुई, अरे छुई तक नहीं जब सीसीटीवी बताया, लेकिन उसके बगैर भी ऐसा किया गया। आज चेतावनी की बात है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक सिर्फ भी इस तरह कर सकते हो तो आम आदमी की हालत क्या कर सकते हो। देख रहे हैं अब लब्धिसार शिक्षण शिविर, परसों इसका समापन हुआ है, 25 मई से चल रहा था। अब के लब्धिसार पर पहले भी 7 वर्षों में 9 शिविर लग चुके हैं, यहीं से एमपी से नहीं, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, राजस्थान से, बहुत दूर दूर से, गुजरात से इन्वेस्ट शिविर में आते हैं। अगर 2 माह पहले बुकिंग शुरू कर देते हैं, 172 बाहर से थे और 400 एमपी से थे। ये देख रहे दृश्य वहां पर, पिछले 7 वर्षों में 9 शिविर से लग चुके हैं और इसमें आकर जानकारी, कहते हैं स्वाध्याय एक वैसी पाठशाला है जिससे हम अपने तीर्थ को, अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को, अपने को समझ सकते हैं। बगैर स्वाध्याय, हवा में बात करने से नहीं, यह ज्ञान अर्जन के जो शिविर होते हैं बहुत लाभकारी होते हैं। जो इंदौर में ये लब्धि शिक्षण शिविर लब्धिसार के ऊपर लगाया गया। फिर मिलूंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ, सुबह 8 शाम 8 ठाट बाट के साथ। सादा जय, मिलते रहेंगे आपके पास।